दिल्ली सरकार आशा किरण नाम का शेल्टर होम चलाती है जहां मेंटली चैलेंज्ड महिलाएं और बच्चे रहते हैं। इस शेल्टर होम में पिछले 20 दिन में 13 रहस्यमय कारणों से मौतें हुई हैं। ये बहुत डराने वाली बात है और बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। हम दिल्ली महिला आयोग की मैं अध्यक्ष थी तब भी यहाँ पे मैंने देखा था कि 2 महीनों में 11 मौतें हुई थी। मैंने तुरंत जाके इंस्पेक्शन किया था और मुझे वहाँ पे जो मैंने हालात देखे वो बहुत चौंका देने वाले थे। मैंने देखा कि किस तरीके से स्टाफ ना होने के कारण, व्हीलचेयर्स ना होने के कारण महिलाओं को रेंग रेंग कर बाथरूम जाना पड़ रहा था और कई महिलाएँ वहीं कॉरिडोर में शौच कर रही थी, बाथरूम कर रही थी। बहुत बुरा हाल था। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो वहाँ पे बिस्तर थे उन्हीं बिस्तरों में बच्चों को शौच करना पड़ रहा था। कोई स्टाफ ही नहीं था। इतनी गंदगी थी, इतनी बदबू थी कि मैं बता नहीं सकती। हमने ये तक देखा कि जो महिलाएं थीं उनको नहलाने ले जाने के बहाने वहीं पे कॉरिडोर में ही उन्हें नग्न अवस्था में खड़ा कर दिया जा रहा था, जिसको सीसीटीवी पे कुछ आदमी मॉनिटर कर रहे थे। कितनी शर्म की बात है। हमने यहाँ तक देखा कि डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा कमी थी कि वहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट आता था और वो भी हफ्ते में एक बार कुछ घंटों के लिए, और कई 100 लोग वहाँ पे रह रहे थे। इसमें तुरंत एक FIR होनी चाहिए और जितने लोग हैं, जो भी जिम्मेदार हैं लापरवाही के कारण उनके या भ्रष्टाचार के कारण आज ये हालत है, उनके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। आज इतने दुख की बात है कि दिल्ली सरकार जो शेल्टर होम्स चला रही है इनके हालात तो जेल से भी बदतर है। मैं ये मुद्दा पार्लियामेंट में ज़रूर उठाऊंगी।